हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार चार्टिंग इंस्टीट्यूट से। गाइस, ये वीक जो है मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू शेयर कर रहा हूँ बेब्स के स्टडी पर। तो देखो गाइस, ये मैंने डेली के टाइम फ्रेम लिया हुआ है और आप देख सकते हैं इसको मैंने ऑलरेडी काउंट करके रखा हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं आपको एनालिसिस और आउटलुक दे रहा हूँ, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसी लगी और इसमें क्या जानना चाहते हो आप लोग। तो देखो, आप ये जो इस जो ये यहाँ से 12,430 जो 30 से लेकर यहाँ तक जो वर्टिकल फॉल हुआ है, इसको मैंने इम्पल्स लिया हुआ है और इसको मैं एज ए काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ए काउंट कर रहा हूँ। और ये जो ग्रेजुअली जो धीरे धीरे जो अपसाइड मूव हुआ है, इसको मैं इंटायर बी ले रहा हूँ, इंटायर बी लूंगा। इसमें से ए बी और सी आप देख सकते हो, इसको मैं ए बी सी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बी का फॉर्मेशन बन रहा है, तो इसको मैं बी लूंगा। अगर इनकेस ऐसा फॉर्मेशन होता है तो बी इसको मैं लूंगा, जब तक वो 12,430 क्रॉस नहीं होता तब तक ये बी कंसीडर होगा, राइट। लुक, अब अगर हम इस स्टडी को करेक्शन की तरफ से कंसीडर करते हैं, तो आप करेक्शन की तरफ से कंसीडर करोगे तो ये पूरा जो फॉल हुआ है, ये जो मतलब इसको मैंने चार्ट को रिवर्स कर दिया है, तो इस चार्ट को देखो आप, ये पूरा मैंने इसको ए लिया हुआ है। ठीक, ये इसको लिया हुआ है क्योंकि इसके बाद जो जो एक्चुअली जो ये जो बी बना है, इसको करेक्शन तीन पार्ट में होती है, ए बी और सी के पार्ट में होती है। तो ये पूरे मूव को, इस इम्पल्स को मैंने ए लिया हुआ है। अब देख सकते हो, इसको मैंने सब माइक्रो की वजह से सब माइक्रो सबऑर्डिनेट में कंसीडर भी किया हुआ है और काउंटिंग करके दिया है मैंने 1, 2, 3, 4, 5। तो ए है ये मेरा और ये बी है, और ये पूरा जो मूव देख रहे हो ना, बी जो सी जा रही है, सी हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 में गई है। लुक हियर, और अगर हम करेक्शन की तरफ कंसीडर करते हैं तो ये जो इंटायर मूव हो रहा है ना, ये 127% बनेगा। ये एग्जैक्टली जो है 127% बन रहा है, जो मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ था। तो अगर ये 127% बनता है, तो अगर ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा जिगजैग जो फॉर्मेशन होता है, अगर जिगजैग के फॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसमें जो ए होता है वो 5 होता है, बी 3 होता है और सी भी 5 होता है। तो 5, 3, 5 के हिसाब से ये एग्जैक्टली कौन सा पैटर्न बन रहा है, जिगजैग का पैटर्न बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पैटर्न बना हुआ, ये एग्जैक्टली एक्सटेंशन पर 127% गई हुई है। और थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन ये है कि ये जो जीरो और ये बी की ट्रेंड लाइन, ये इसने ब्रेक कर दिया है। तो अगर मैं इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर रखता हूँ ना, मतलब इस छोटे जो मूव, ये जो छोटा मूव जो फिफ्थ वेव के जो काउंटिंग है, इसको अगर मैं 1 रख रहा हूँ, इसको 2 रख रहा हूँ, अगर इसको 3 रख रहा हूँ, तो ये जो फोर्थ आप देखो जो ये फ्राइडे के दिन फॉल हुआ है, तो ये जो फॉल हुआ है ना, इस फॉल को मैं 4 ले रहा हूँ। ठीक है, इस फॉल को 4 ले रहा हूँ। इसमें दो प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं 4 ले रहा हूँ। लेकिन अगर कल को निफ्टी ये 4th तब कंसीडर होगा, जब ये सेकेंड, ये वाला जो माइक्रो सबऑर्डिनेट है ना, जब ये सेकेंड का लो टूटेगा, तो इसका लो कितना है, 11,145, क्योंकि फोर्थ वेव और सेकेंड वेव कभी बराबर नहीं होती। ठीक है, अगर ये वाला लो टूट जाता ना, तो सेकेंड वेव का जो लो टूट जाता है, तो ये आपका ये पूरा, हम ये मानेंगे कि मेरा जो ये वाला जो फिफ्थ है, जो आप सब माइक्रो देख रहे हो, ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब सॉरी, ये वाला जो फिफ्थ है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं टूटता, ये वाला सेकेंड वेव का लो नहीं टूटता है और ये ऊपर की तरफ मूव करके, जैसे 11,680 ये ट्रेंड लाइन का वो है रेसिस्टेंस है रिसेंट का, अगर ये 11,680 ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ये वाला सब, ये जो सब माइक्रो सबऑर्डिनेट है, इसकी तरफ लीड कर जाएगा, इसकी तरफ ये लीड करेगा। कब ये लीड करेगा, जब 11,680 की क्लोजिंग आएगी, देन ये लीड करेगा। अदरवाइज क्या हो सकता है कि जीरो और बी की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो ब्रेक हो गया है, तो हम इसको, इस इंटायर मूव को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, ये इसको मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। तो ये हमारा है 12,000, ये 7511 और ये है लो है, और इसका 11,794.25 है। तो आप देख सकते हो, तो अगर ये वाला लो टूटता है ना, सेकेंड वेव का जो लो है 11,111.45, मतलब 11,111,
0.45 ब्रेक करता है तो ये स्टेप बाय स्टेप ये उतरती चली जाएगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये फॉल होता चला जाएगा। कंसीडर आपको स्टॉप लॉस क्या रखना, अगर आप शॉर्ट करते हो, अगर आप शॉर्ट करते हो तो 11,682 का स्टॉप लॉस रखना, 11,682 का स्टॉप लॉस रहेगा। वो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये जीरो और बी के टेन लाइन का रेसिस्टेंस है, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस के, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है, राइट। और अगर लॉन्ग करते हो तो आपका ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए 11,000, आप यहाँ पर देखेंगे तो दिखाई देगा, तो 11,111.45 क्लोजिंग बेसिस, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो स्टेप बाय स्टेप 23.6%, 30.2%, 50, 60 और इस तरह से ये निफ्टी डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसको एज इट इज लेके चलो। वैसे मुझे लग रहा है कि ये जिगजैग का फॉर्मेशन है और फिनिशिंग मोड में है, और हम 682 का स्टॉप लॉस लग के शॉर्ट कर सकते हैं अगर ऊपर जाती है देन, और क्लोज हम बाई तभी हम बाई हम तब करेंगे जब 11,680 के ऊपर, मतलब 682 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, देन हम बाई कर लेंगे और नए हाई की तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज ये जैसे सेकंड में आपका फॉल ब्रेक होता है तो हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप इसको उतरते चले जाएंगे, ठीक है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में, अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो यह बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में अगर हम थोड़ा सा इसमें आपको ना वुल्फ वेव का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है शायद कहीं, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट स्टडी किया हुआ है, एक मिनट। हाँ ये मैंने किया हुआ ऑलरेडी ताकि टाइम वेस्टिंग ना हो। तो देखो गाइस ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम इसको भी लिया हुआ है, और इसमें मैंने क्या किया है कि इस इंटायर मूव को मैंने 1 रखा है, और अगर और इसको 2 रखा है, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अगर हम इसकी बात करें इम्पल्स की बात करें तो ये लीडिंग डायगोनल माना जाता है, ठीक है, बुलबे मानो या लीडिंग डायगोनल मानो, ये ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है। तो देखो आप लोग अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है 0, 2 और 4 की ट्रेंड लाइन ये वाली है, ठीक है। अगर अगेन अगर इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग देना शुरू कर देती है, जैसे कि आपने बैंक निफ्टी निफ्टी में देखा था कि वहाँ उस सेकेंड वेव का सपोर्ट पर है, तो यहाँ पर 2 और 4 का सपोर्ट ले सकती है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, 2 और 4 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, देन ये आपका डेस्टिनेशन ओपन हो जाएगा 20,000 का, 20,000 का टारगेट, मतलब डेस्टिनेशन ये ओपन हो जाएगा, 2, 4 के ट्रेंड लाइन का ये डेस्टिनेशन ओपन हो जाएगा, और इसको ब्रेक करेगी तो फिर तो ये वर्टिकल फॉल है, इज दैट क्लियर। अगर नहीं तो एक मूव हो सकता है कि अगर यहाँ से सपोर्ट लें, तो हमने इसको काउंटिंग छोड़ रखी है, फिफ्थ वाली काउंटिंग छोड़ रखी है, तो मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, राइट, और देन फिफ्थ। ये तब पॉसिबल होगा जब ये 2 और 4 के टेन लाइन ब्रेक नहीं करती है। 2 और 4 के टेन लाइन ब्रेक करके क्लोजिंग देना शुरू कर देती है, तकरीबन ये मानकर चलो आप 22,130 के आसपास, जिसे कि वेब फर्स्ट का जो लो है, वेब फर्स्ट का लो ऐसे काउंटिंग करके रख दो, ठीक है। तो अगर ये यहाँ तक ब्रेक करके इसके, मतलब ये हो सकता है इसको भी सपोर्ट ले, लेकिन यू नो आगे क्लोजिंग चाहिए, मतलब ये 2 और 4 के टेन लाइन के नीचे क्लोजिंग चाहिए। 2 और 4 के टेन लाइन के नीचे क्लोजिंग आती है, देन कंटिन्यू फॉल होगा इस तरह से या और इस तरह से। अदरवाइज अगर नहीं काउंटिंग होता है, अगर फॉल नहीं होता और यहीं से फोर्थ या स्मॉलर सबऑर्डिनेट अगर यहां से सपोर्ट ले लिया, तो आपका ये आपका 1, ये 2 और 3 एंड देन 4 एंड 5 हो सकता है कि इसका हाई भी ब्रेक कर जाए। लेकिन इसका भी कंडीशन यही होना चाहिए कि ये वाला जो 1, 3, 5 की जो 1, 3, 5 वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ब्रेक होनी चाहिए तभी नया हाई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा, बहुत सिंपल है ये बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन इसने यहाँ पर अपडेट किया हुआ है, सपोर्ट लेके क्लोजिंग इसके ऊपर भी है। अगर मंडे को मार्केट इस 2-4 के टेन लाइन के नीचे ब्रेक करती है तो कंटिन्यू फॉल होगा वे फर्स्ट के लिए लो तक के लिए तकरीबन 22,139। अगर नहीं होता है तो इसको ये रिवर्स कर सकती है, ठीक है।
लॉन्ग करने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब इसका इसके सपोर्ट के ऊपर बंदा सुबह शुरू हो जाए तब लॉन्ग लो और आप स्टैंड लाइन तक बुक कर लो। लेकिन जब जब इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता तो कंटिन्यू लॉन्ग किए रहो, और जैसे 2-4 के ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए तो सेल ऑन राइज की मार्केट बनाओ। तो इसी तरह से आप इसको फॉलो करके चल सकते हैं, राइट, स्टेप बाय स्टेप अगर उतरना है तो। और हाँ, जैसे 2-4 के ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो ये भी आपका स्टेप बाय स्टेप 23% का सपोर्ट तो ले चुकी है, और स्टेप बाय स्टेप ये उतरना शुरू हो जाएगी 38.2%, 50% और 61.8% की तरफ ये स्टेप बाय स्टेप आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एनीवे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, जैसा कुछ होता है मैं आपको फिर लाइव अपडेट करूंगा मार्केट में। तब तक अपना ख्याल रखिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।